welcome back to my channel. So here I am back with the second episode. What's new Nande? तो आज हम कहाँ आए हैं? मेरा जंगल एक्सप्लोर करने का मन कर रहा था तो आज हम आए हैं जंगल थीम रेस्टोरेंट में. सो लेट्स चेक आउट. Manchurian. Uh-huh. Paneer 65. Okay, so what do you like more? Manchurian. You like Manchurian. What do you like? Paneer 65. Okay. Thank you for the review. Okay. So, aaj hum aaye Smitten Kitchen. So, let's meet the owner. Hello, it's me Abhijit and welcome Sonia for this video. Thank you so much. So, aapko ye idea kaise aaya? I mean, jungle theme restaurant ka? एक्चुअली आइडिया तो कुछ था नहीं. इट वॉज मतलब कैसे होता है कि कुछ स्ट्रक होता है और आप कर देते हो, ऐसा कुछ था ये. हम एक्चुअली कैफ़े के लिए प्लान कर रहे थे यहाँ पर. ओके. एंड बाद में कुछ लोगों ने इनपुट ऐसा दिया कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है नहीं, तो आप अगर कैफ़े प्लान कर रहे हो तो क्यों ना रेस्टोरेंट के लिए जाइए. और प्लस दूसरा एक ड्रॉबैक ऐसा था कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस इंडस्ट्री में. ओके. होटल इंडस्ट्री में. तो मैंने बोला ठीक है चलो, जगह खुद की है तो रिस्क लेना बनता है. तो हमने फिर रेस्टोरेंट शुरू किया एंड फ्रॉम द डे वन हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिला है यहाँ से. ओके. सो रिस्क इज वर्थ इट. या व्हाट्स द डिश, आई मीन व्हाट डू यू हैव? तो हमारी स्पेशलिटी ऐसी है कि हमारा पनीर स्मिटन या फिर वेज भोजपुरी, ये जो चीज़ है, और वेज महाराजा, ये रेगुलर चलता है और कस्टमर चॉइस है. ओके. कस्टमर चॉइस. सो वी आर द बॉस. मैंने देखा था वैलेंटाइन्स पे, इट वाज ऑल रेड डेकोर एंड एवरीथिंग. मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज़ नांदेड़ में मैंने ये चीज़ कहीं और नहीं ऑब्जर्व की. इस बारे में भी हम सिर्फ द ओनली रेस्टोरेंट है नांदेड़ में जो आपको कैंडल लाइट डिनर ऑफर करता है थ्रू आउट द रेस्टोरेंट ऑन वैलेंटाइन्स. दिस इज अ ग्रेट थिंग. सो कपल्स यू हैव इट हियर, कैंडल लाइट डिनर. आपके पास एक फंक्शन हॉल भी है आई गेस, राइट? या बड़ा नहीं, बट एक 40 टू 50 पीपल के लिए एक छोटा सा फंक्शन हॉल. आपकी किटी पार्टीज है, बर्थडे पार्टीज है, आप कभी भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो इट्स कम्प्लीटली ओवर हियर. सो लेट्स ट्राई आउट द डिशेस. हम बना रहे हैं पनीर 65. तो इसके लिए यहाँ पे ऑयल डाला है, फिर इसमें गार्लिक डाला है, ग्रीन चिलीज, कैप्सिकम, अनियन, यहाँ पे इन्होंने स्टॉक वाटर ऐड किया है. रेड चिली पेस्ट, टमेटो केचप, दही ऐड किया, ग्रीन चिली पेस्ट, अजीनोमोटो, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, कलर, कोरिएंडर, कॉर्नफ्लावर, एंड फाइनली पनीर. So here we have the potato tomato. Looks delicious. It's crispy. जैसे आप इसको खाओगे फ्लेवर्स का एकदम ब्लास्ट होगा.
इसको जब मेयो से टॉप किया ये बहुत अच्छा लग रहा है. लेट्स ट्राई आउट मोमोज. परफेक्टली थिन है इसका जो कोटिंग है, ज़्यादा मोटा नहीं है. लेट्स सी इसकी फिलिंग कैसी है. आप देख सकते हो पूरा एकदम फिल्ड है. इसका टेस्ट चेकआउट करते हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. आई कैन नॉट बिलीव आई एम हैविंग मोमोज इन नांदेड. सुपर डिलीशियस. यू मस्ट ट्राई इट. तो हमारे पास आ गया है ये है इनका पनीर 65. ये इनकी स्पेशलिटी है ऐसा इन्होंने मेंशन किया. लेट्स ट्राई आउट एंड चेक इट. पनीर के पीसेस तो अच्छे लग रहे हैं मेरे को. कोटिंग भी ज़्यादा मोटी नहीं है. बहुत अच्छा लग रहा है. जो फ्लेवर्स हैं पूरे पनीर में उतरे हैं वो. यहाँ दैट्स अ गुड वन. सो ये इनकी स्पेशलिटी है वेज महाराजा. दिखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है. लेट्स ट्राई आउट. ये है इनकी तंदूरी रोटी लोडेड विद बटर. परफेक्ट इसका क्रिस्प एकदम. कल जिम में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी. ये मुझे बहुत पसंद आया. फ्लेवर बहुत अच्छा है. ना ही ज़्यादा तीखा है ना ही ज़्यादा मीठा साइड है. परफेक्टली बैलेंस है. यूजुअली ये जो ग्रेवी होती है ये मीठा साइड ज़्यादा होती है बट इन्होंने परफेक्टली बैलेंस किया. आई रियली लव इट. इनके जो कोफ्ते हैं वो भी आप देख सकते हो परफेक्टली माइल्ड है. ज़्यादा हार्ड नहीं है. यूजुअली आपने दाल खिचड़ी सुना होगा. मेरी इसकी स्माइल से आप समझ रहे हो मुझे कितना पसंद आया. मतलब खाने के बाद एकदम माँ के हाथ का मेरे को याद आ रहा है. आई हैव माय मम्मा विद मी राइट नाउ. वो एग्जैक्टली बताएंगे बैलेंस कि इसका फ्लेवर कैसा है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. यहाँ आओ तो इनकी ये स्पेशलिटीज़ तो ज़रूर ट्राई करना. काजू पनीर. काजू पनीर ओके. सर आप कुछ बोलना चाहते हो. आपको कैसा लगा टेस्ट. एकदम बढ़िया. एकदम बढ़िया. आप यहाँ पे रेगुलर. हाँ रेगुलर आप यहाँ पे. अच्छा आपको सबसे अच्छा क्या लगता है यहाँ पे. अच्छा ओके थैंक यू. मैम आप कुछ बोलोगे. आपको कैसे लगा. अच्छा लगा. अच्छा घर पे जो खाना बना था उसको परफेक्ट पता होता खाना कैसा है. तो आपके हिसाब से कैसा है. अच्छा. अभिषेक और अविनाश. आप कितने टाइम से आते हो यहाँ पे. हम रेगुलर कस्टमर हैं. क्या खा रहे हो. टर्टल टर्नमेंट एंड मोमोज. आपको कौन सा अच्छा लगा दोनों में. दोनों भी अच्छे हैं. मोमोज अच्छे थे. वेजिटेरियन और आपको कोई अच्छा डिलीशियस खाना खाना है जो आप कोई थीम जगह पे बैठ एंजॉय करना चाहते हो आपको ये जगह जरूर ट्राई आउट करनी चाहिए. कोई वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए एंड उससे ज्यादा प्लीज विजिट कीजिए. उससे ज्यादा प्लीज विजिट कीजिए. चेक करो वीडियो को सब्सक्राइब करो इस चैनल को. ज्यादा से ज्यादा प्यार दो और देखते हैं और खाना नेक्स्ट टाइम. ओके सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.